हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बड़े से आलीशान घर के मास्टर बेडरूम में सो रही मोनालिसा की जब रात को नींद खुलती है तो देखती है कि उसके कमरे की सीलिंग पर एक भयानक साया लटक रहा है, जिसके चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थी। वो धीरे धीरे मोनालिसा के करीब आने लगा। ये दृश्य देखकर मोनालिसा पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गई। उसके पूरे चेहरे पर इतना पसीना था कि मानो अभी मुंह धोकर आई हो। सोहन शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी में कई सारे लोग काम करते थे। उन्हीं में से एक थी मोनालिसा, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नजर सोहन की दौलत पर थी। काम कमेंट बॉक्स में। सोहन, हमारी सुहागरात तभी होगी जब तुम मेरी कुछ शर्तों को मानोगे। शर्त? कैसी शर्त? तुम अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरा यूज करके मुझे धोखा दे दो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। कहते हुए मोनालिसा अपने सुहागरात पर ही अपने पति से अलग सो जाती है। अगले दिन ही सोहन ने वकील को बुलाकर अपनी सारी जायदाद मोनालिसा के नाम कर दी। मोनालिसा अब सोहन के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, मगर अपने मन में सोहन को अपने रास्ते से हटाने का सोचने लगी। एक रात उसे मौका मिल ही गया। जब घर में कोई नहीं था, उसने सारे नौकर को छुट्टी दे दी। देर रात जब सोहन ऑफिस से घर लौटा तो पूरे घर में अंधेरा था। सिर्फ उसके कमरे में हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। वो अपने नौकर और मोनालिसा को आवाज देने लगा। जब किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया तो वो मोबाइल की रोशनी में धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे से लाइट रोमांटिक म्यूजिक की आवाज आ रही थी। सोहन एक्साइटेड हो गया। उसे लगा शायद मोनालिसा ने उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। जल्दी जल्दी भागते हुए अपने कमरे में पहुंचा। मोनालिसा बेड पर उसका इंतजार कर रही थी। उसे इस तरह देख सोहन के दिन भर की थकान दूर हो गई। अपने हाथ का ऑफिस बैग साइड के काउच पर रखकर वो मोनालिसा के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने मोनालिसा की गालों पर किस किया, पीछे से दो लोग आए और उन्होंने एक भारी चीज से सोहन का सर पर वार कर दिया। सोहन वहीं तड़पकर बेहोश हो गया। उन लोगों ने तुरंत सोहन के शरीर को चेक किया तो सोहन जिंदा था। अरे, ये तो अभी जिंदा है। क्या फर्क पड़ता है, जिंदा है तो मर जाएगा। जल्दी से इसे बोरी में डालो और इसे ले जाकर घर के पीछे जो गड्ढा खुदा है उसमें डाल दो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। गड्ढा पूरी तरह से भर देना। सोहन उस समय जिंदा था, मगर मोनालिसा की बातें सुनकर उसके जिंदा रहने की इच्छा मर गई। वो धीमी आवाज में बोला, मोनालिसा, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं लौट कर जरूर आऊंगा, तुमसे बदला लेकर रहूंगा। उसकी बात सुनकर मोनालिसा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, बदला तो तब लोगे जब जिंदा रहोगे। गड्ढे में अपनी अंतिम सांस लेना। गुड बाय मिस्टर। मोनालिसा के कहने पर उन लोगों ने जिंदा ही सोहन को गड्ढे में दफना दिया। कुछ दिनों तक तो मोनालिसा सोहन के लापता होने की अफवाह फैलाकर उसे ढूंढने का नाटक करती थी, मगर जैसे ही लोग सोहन को भूल गए, मोनालिसा उसकी दौलत पर ऐश करने लगी। ऐसे ही एक रात को वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दोनों हैरान हो गए क्योंकि घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। रूम के दरवाजे पे दस्तक कौन कर रहा है? घर पे तो कोई नौकर भी नहीं है। कोई नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, चलो सो जाते हैं। कहते हुए उसने मोनालिसा को अपनी बाहों में लेकर पलंग पर चला गया। तभी मोनालिसा को कांच में किसी की परेशानी नजर आई। उसने अपने फ्रेंड को धक्का देकर खुद से दूर किया और दरवाजा खोलकर चेक किया तो दरवाजे पर कोई नहीं था। वो लौटकर वापस अपने पलंग पर आकर लेट गई। जैसे ही उसे नींद लगने लगी, ऐसा लगा किसी का हाथ उसके ऊपर है। उसे लगा उसके दोस्त का हाथ होगा। वो हाथ उठाकर अपने ऊपर से हटाने लगी तो वो हाथ उसके हाथ में आ गया। डर के कारण वो उठ बैठी और उसने लाइट ऑन की तो देखा सामने सोहन बैठा था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे और चेहरे और सर पर लगी चोट के कारण बहता हुआ खून नजर आ रहा था। उसने डर के कारण आंखें बंद कर ली और तभी कुछ टूटने की आवाज आई। उसने जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था, एक काली बिल्ली उसके पलंग पर बैठी हुई थी। वो आंखें खोलकर चारों ओर सोहन को ढूंढ रही थी, मगर सोहन कहीं नहीं था। वो दोबारा पलंग पर लेट गई और जैसे ही उसकी नजर उसके कमरे की सीलिंग पर गई, वहां एक भयानक साया लटक रहा था जिसके चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थी। वो धीरे धीरे मोनालिसा के करीब आने लगा।
ये दृश्य देखकर मोनालिसा पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गई। उसके पूरे चेहरे पर इतना पसीना था कि मानो अभी मुंह धोकर आई हो। जैसे ही वो साया उसके बिल्कुल करीब आया, मोनालिसा ने उसे अपने हाथों से धक्का दे दिया। दूर गिरकर वह साया अदृश्य हो गया। सारी रात डर के कारण वह सो नहीं पाई। अगली सुबह उसने उन दो लोगों को बुलाकर दोबारा सोहन की कब्र खुदवाई। सोहन उसी कब्र में था। उसकी लाश को देखकर मोनालिसा को यकीन हो गया कि कल जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बुरा ख्वाब था। कब्र से लौटकर मोनालिसा खुद को रिलैक्स करने के लिए बाथटब में नहा रही थी। तभी बाथटब का पानी पूरी तरह से लाल हो गया। डर के कारण वो उससे निकलने के लिए खड़ी हुई तो ऐसा लगा किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो और वह बाथटब में खींचती चली गई। उसका चेहरा पानी के अंदर डूब गया था। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि वो पहले की तरह नॉर्मल ही है और बाथटब का पानी भी सही है। वो रिलैक्स होकर गहरी सांस लेने लगी। तभी उसकी निगाह सामने वॉश बेसिन पे गई। यहाँ पे उसे सोहन नजर आ रहा था। अब उसे लगने लगा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो सब कुछ सोहन की आत्मा ही कर रही है। सोहन, मुझे पता है तुम मुझसे बदला लेने के लिए आए हो, मगर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। इस तरह मुझे परेशान मत करो। मोनालिसा की बातें सुनकर सोहन की आत्मा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अब रात दिन मोनालिसा सोहन की आत्मा को अपने आसपास महसूस करती और डर के कारण उसका जीना मुहाल हो गया था। एक दिन ऑफिस में कुछ लोगों के साथ मीटिंग चल रही थी। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी प्रेजेंटेशन लोगों के साथ शेयर करने लगी। तभी उसे उसी वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर सोहन का साया नजर आने लगा। गुस्से में आकर उसने पास में रखा फूलदान कंप्यूटर स्क्रीन पर दे मारा। कंप्यूटर स्क्रीन बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। उसके पास बैठे लोग अचानक से हुई इस हरकत को देखकर उसे हैरानी से देख रहे थे। सबके सामने मोनालिसा शर्मिंदा हो गई और मीटिंग छोड़कर अपने घर आ गई। ऐसे ही कई बार उसे अपने आसपास सोहन के होने का एहसास होता और वह कुछ ऐसी हरकत कर बैठती कि लोग उसे पागल समझने लगे थे। ऐसे ही एक दिन लोग पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहे थे, जो मोनालिसा ने सुन लिया था। तुम लोगों को क्या लगता है मैं पागल हो गई हूँ? मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे हर दूर हन नजर आता है, वो मुझे मार डालेगा। हिम्मत है किसी को तो बचा ले मुझे उससे। तुम सच में सोहन के जाने के बाद पागल हो गई हो? सोहन हम सबको छोड़कर कहीं दूर जा चुका है, उसका कोई पता ही नहीं है, और तुम कहती हो कि वो तुम्हें नजर आ रहा है। सोहन कहीं नहीं गया है, यही है, देखो वो रहा सामने। कहते हुए वो सोहन के साए की तरफ इशारा करने लगी। सभी लोग उस ओर देखने लगे मगर उन्हें कोई नजर नहीं आया। अरे कोई नहीं है वहाँ, तुम्हारा वहम होगा। मेरा वहम नहीं है बल्कि हकीकत है। मैंने अपने इन्हीं हाथों से सोहन को मारा है और वो मुझसे बदला लेने वाला है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो चलो मेरे साथ। कहते हुए मोनालिसा अपने दोस्त को अपने साथ सोहन की कब्र पर ले जाती है, जहाँ पर वो गड्ढा खोदकर उन लोगों को सोहन की लाश दिखाती है और अपना जुर्म कबूल करती है। तभी अचानक ही वहाँ का मौसम बदल जाता है। तेज हवाओं के साथ तेजी से बिजली कड़कने लगती है। अब सोहन का साया सभी को नजर आता है। यही तो मैं चाहता था कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया, अब तुम्हें सजा मैं दूंगा। कहते हुए वो मोनालिसा को घसीटते हुए उसी कब्र में डाल देता है। मिट्टी खुद ब खुद उस गड्ढे को भर देती है। मोनालिसा खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है मगर कोई भी उसे नहीं बचाता। उस दिन के बाद से सोहन की आत्मा किसी को भी नजर नहीं आई। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।